बेसिकली मैं एक प्रॉपरली क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हूँ जिसके पास मेजर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है MRCP डर्माटोलॉजी। पाकिस्तान में मैं वाहिद MRCP डर्माटोलॉजी हूँ पूरे पाकिस्तान में। मैं ये बड़े बसूख से क्लेम करता हूँ। मैं PIMS में प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी हूँ। इससे पहले भी मैं पाकिस्तान आने से पहले UK में 10 साल कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट वहाँ पे रहा बर्मिंघम स्किन हॉस्पिटल में। तो मेरे पास ना मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट आते हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी आते हैं और जो बेसिकली आपकी स्किन कंडीशन जो होती हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेशेंट भी वो मैं ट्रीट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मैं खुद एक डर्माटोपैथोलॉजिस्ट भी हूँ। डर्माटोलॉजिस्ट के अलावा डर्माटोपैथोलॉजिस्ट का मतलब कि मैं अपनी स्लाइड एंड बायोप्सी करने के बाद जो स्किन की स्लाइड्स होती हैं बायोप्सी स्लाइड होती हैं उसकी खुद मैं हिस्टोपैथोलॉजी उसकी रीड करता हूँ और उसके मुताबिक डायग्नोज करता हूँ। स्किन तो एक विजुअल आर्ट है। आप चीज़ डायग्नोज करोगे, लेट्स सपोज मैंने डायग्नोज कर लिया कि इसको एक्जिमा है या सोरायसिस है या रेयर कंडीशन है ग्रेनुलोमा एनुलारी, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि कैसे ये या लिश्मेनियासिस तो ये कैसे है। बेसिकली अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो उसमें हम स्किन बायोप्सी करते हैं। स्किन बायोप्सी वो तो आपको नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप वहाँ पे पड़ा हुआ है। स्किन बायोप्सी करने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड जब उसकी बन जाती है माइक्रोस्कोप के नीचे मैं देखता हूँ और डायग्नोज कर लेता हूँ कि कंडीशन क्या चीज़ है। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाती है पेशेंट को और उसका सही इलाज हो जाता है पेशेंट को। अक्सर यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर हजरात जिनको मैं कहता हूँ सो कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट जिनको मैं कहता हूँ, जो जिनमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई भी नहीं डर्माटोलॉजिस्ट, छोटे माइनर क्वालिफिकेशन के साथ कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं बन जाता, वो सारा कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। कॉस्मेटोलॉजी के अलावा उन्होंने अपनी तरफ से निकाला है, देयर इज नो सच थिंग एज कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है ना। बेसिकली ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजी भी है, मुझे तो उस चीज़ के लगती है। जब हम लेज़र भी हम करते हैं तो प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैं लेज़र कराता हूँ, जिसमें अगर मैं पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी ब्यूटिफिकेशन के बारे में कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो एक उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है, एक उसकी एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है जिसके पीछे हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये जो पेशेंट जिसका मैंने आज लेज़र लाइपोलाइसिस किया, ये बहुत ओबीस पेशेंट थी और दुबई से आई थी और स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट कराने मेरे लिए वो दुबई से आई है। मैंने आज उनका ट्रीटमेंट किया और मेरे ख्याल में परसों उनकी फ्लाइट है दोबारा वापस दुबई के लिए। तो इस किस्म के पेशेंट बड़े चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये प्रोसीजर है। मैं ऑब्वियसली वो प्रोसीजर खुद नहीं चाहता था, इसलिए मैं पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत अहमियत देता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पेशेंट को ट्रीट करूँ और आप सामने देख लो, स्पेशली फीमेल पेशेंट। मेल पेशेंट से तो फिर भी हम इजाज़त ले लेते हैं और हम उसको जैसे पहले हमने एक शो की तो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं फीमेल पेशेंट पे बहुत कतराता हूँ कि वो किसी तरीके से मीडिया में या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर आए, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर मैं जैसे मैं आपके जो सवाल था, मैं पेशेंट को जिनको अपने स्किन की ब्यूटिफिकेशन चाहिए होती है या उनके अपने जो फीचर्स होते हैं उनको इन्हांस करने की चाहिए होती है वो भी मैं करता हूँ, साथ साथ मैं स्किन की बीमारियों का भी इलाज करता हूँ।